क्या हुआ माली? अरे बैठो बैठो। ये ताला पैरों पर गिर गया मेरे, उंगलियां तो दर्द से चूर हो रही है। चूर क्यों नहीं होगी, लोहे का ताला है। या फिर चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? कुछ बात नहीं बेटे, वो दोपहर से तरह चक्कर से आ रहे थे और प्यास भी बहुत लग रही है, लगता है बुखार आने वाला है। आने वाला है से क्या मतलब? बुखार आपके शरीर पर डेरा डाल चुका है, हाथ जल गया मेरा आपको छूने में। थोड़ी ठंड भी लग रही है, अभी बच्चों को स्कूल से लेकर आऊंगे फिर आराम कर लूंगी। माँ जी कमाल है आप। अरे बैठिए आप। अरे इतनी तबीयत खराब है उसके बाद भी आप बच्चियों को लेने स्कूल जाएंगी? अरे देखिए पागलपन मत कीजिए, मैं बच्चियों को स्कूल से लेकर आता हूँ, ठीक है? तब तक आप आराम करो, मैं जाऊँ बाकी की सफाई में आकर कर दूंगा, ठीक है? बनिया साहब, मैडम अग्रवाल और प्रिंसिपल चैटर्जी के बीच परसों बड़ी तेज नोकझोंक हुई, ऐसा हमारा गुप्तचरों का कहना है। दोनों ने एक दूसरे पर कई वार किए शब्दों के। तो इसमें कौन सी नई बात है? हाँ। दोनों को दोनों मार थी। हाँ। एक के हाथ में ब्रह्मास्त्र। हाँ। तो दूसरे के हाथ में वज्र। हाँ। कोई भी हार मानने को तैयार ही नहीं। हाँ। लेकिन इस बार मुद्दा क्या था? सब्जेक्ट मैं बताता हूँ, कॉलेज में हुई छुरेबाजी, पुलिस केस और हमारे जाबाज प्रोफेसर जय देसाई। उनकी चर्चा का विषय जय सर ही थे, ये आपको किसने कहा? देखा जनाब, इसे कहते हैं दोस्ती। जय का नाम निकला नहीं कि बेचैनी शुरू। लेकिन उनकी दोस्ती से आपको क्यों जलन हो रही है? और वैसे देखा जाए तो उनका सवाल गलत भी तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी प्रोफेसर जय देसाई बिना किसी इंफॉर्मेशन के कुछ भी कह देते हैं। देखिए शर्मा जी, हमारे गुप्तचर कभी झूठी खबर नहीं लाते, और न ही मुझे झूठी अफवाहें फैलाकर सनसनी पैदा करने का कोई शौक है। मेरी खबर पक्की है, इन दोनों के बीच जो ये 132वां मुकाबला था उसका सब्जेक्ट यही था। वाकई भाई, इन दोनों के बीच जो भी घटित हुआ उसकी आप पूरी जानकारी रखते हैं भाई, लेकिन नतीजा क्या हुआ? भाई प्रिंसिपल चटर्जी साहब ने बड़े आसानी के साथ मैडम को मात दे दी। नहीं नहीं, इस बार की विजेता थी हमारी चीफ ट्रस्टी मिसेस अग्रवाल। आपकी ये खबर गलत भी तो हो सकती है प्रोफेसर लेनी, हमारे प्रिंसिपल चटर्जी साहब के हारने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। आखिर आप जानते नहीं उन्हें हार से सख्त नफरत है। आपकी एक एक बात सही है मैडम, लेकिन सच्चाई यही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रोफेसर लीले, कोई और वजह होगी उनके सो कॉल्ड डिफीट की, क्यों मिसेस शर्मा? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे तो यह सब कुछ नामुमकिन ही लग रहा है। प्रोफेसर लीले, आपका गुप्तचर विभाग सही वजह जानने में असफल रहा। हाँ, अगर उसका पता चल जाता तो शायद हम आपकी इस खबर को सही मान लेते। मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो जो पता चला मैंने कह दिया। ये ठीक बात नहीं है प्रोफेसर लीले, खबर दो और वो भी आधी। आइंदा आपके गुप्तचरों से कह देना कि हमेशा आपको पूरा ब्यौरा दे, वो भी बारीकी से, भले ही उस चक्कर में वो पकड़े क्यों ना जाए। चलो भाई, मेरे विद्यार्थी मेरी राह देख रहे होंगे। आई मस्ट गो। अरे इंस्पेक्टर जय देसाई, कैसे हैं आप? इंस्पेक्टर जय देसाई, ये क्या मेरा नया नाम है? और नहीं तो क्या, हाल में जो तुमने कर्तव्य दिखाया है वो कोई इंस्पेक्टर ही कर सकता है। गुंडों से दो हाथ करना, पुलिस कंप्लेंट, फिर मामले को किसी फाइल की तरह बंद करवाना, फिलहाल तुम इसमें ही बिजी रहे हो। अब क्या है कि जब मैं इसमें इन्वॉल्व हो ही गया हूं तो बीच में तो नहीं छोड़ सकता ना, ये नामुमकिन है मेरे लिए। बिल्कुल नहीं, एंड बाय द वे आई एम रियली प्राउड ऑफ यू।
थैंक यू। और मैं औरों की तरह मजाक नहीं कर रही हूँ, हर मुंह से मैं तुम्हारी तारीफ सुन रही हूँ। अब इसी तारीफ की वजह से प्रिंसिपल चैटर्जी को बहुत कुछ सुनना पड़ा, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। भाई मैं तो अपनी तारीफ सेलिब्रेट भी नहीं कर पाया। मैं जानती हूँ। अच्छा वो लड़का क्या नाम है उसका, सनी, वो कैसा है? हाँ ठीक है, अब हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? स्टिचेस वगैरह होने के बाद भी हॉस्पिटल में? उसके पिताजी यही चाहते हैं। क्या है कि अगर वो घर में आएगा तो किसी की बात नहीं सुनेगा, स्वस्थ होने से पहले ही घर से बाहर निकलेगा और फिर किसी ना किसी मैटर में इन्वॉल्व हो जाएगा ना। तो अस्पताल में रहेगा तो दवाई वगैरह तो सही लेगा। वहां भी उसने बहुत कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने डांट लगाई तो बिल्कुल बच्चे की तरह बैठा रहा वो। अब तुम्हें डांटने की क्या जरूरत पड़ गई? अब क्या है, वो किसी और की बात तो सुनता नहीं, मेरी बात सुनता है तो मैंने डांट लगा दी। वाह जी, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड मामले को सुलझाना कोई तुमसे ही सीखे, तुम इसमें मास्टर जो हो। खैर अभी ये किसी न किसी को तो करना ही था ना, तो मैंने कर लिया, और वो भी इतनी आसानी से। अच्छा मैं चलती हूँ, बच्चियां मेरी राह देख रही होंगी। तुम भी क्यों नहीं चलते हो, साथ में चाय पी सकते हैं। नहीं नहीं, मेरे भी बच्चे मेरे राह देख रहे होंगे। I mean to say कि स्टूडेंट्स मेरा इंतजार कर रहे होंगे। क्या है कि डिबेट कंपटीशन है ना, मुझे उनका रियाज करवाना है। वाह जय, तुम अपने आप में ग्रेट हो। कहां वो लड़ाई झगड़े और कहां ये डिबेटिंग कंपटीशन, मान गए। मैडम ऑफिस में आपके लिए फोन। चल अगर तुम दोनों की क्लास एक साथ ही छूटती है तो फिर तुमने दीदी को कैसे नहीं देखा? मैं हमेशा की जगह पर खड़ी थी, वहाँ ये चाचा मुझे मिले, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए ये हम दोनों को लेने आए हैं। हमने दीदी की बहुत राह देखी, सब लड़कियाँ चली गई लेकिन दीदी नहीं आई। हाँ मैंने भी पियून से पूछताछ की थी और स्कूल में यहाँ वहाँ जाकर देखा पर वो नहीं मिली। वो सुधा जी क्या कह रही थी, आ रही है वो? स्कूल में चक्कर लगा कर आ रही है। बुआ मासी के घर फोन करके देखो, शायद दीदी वहां चली गई हो। लगता है सुषमा घर पे नहीं है, कोई फोन ही नहीं उठा रहा। तो चित्रा आंटी के घर फोन करके देखो ना। अरे पगली, उसका घर तो कितना पास में है और उसको कहाँ मालूम है उसका घर। मैं फिर से स्कूल जाकर आऊँ? नहीं कोई फायदा नहीं होगा, और वैसे सुधा गई है। अनु बेटा तुम जाकर कपड़े बदल लो, हाँ मुँह हाथ धो लेना। भगवान ये अनर्थ कैसे हो गया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ जी यकीन कीजिए मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है। मैंने ऐसा कुछ कहा क्या? एक दिन मैं नहीं गई और ये सब कुछ हो गया। काश मैं ठीक ठाक होती, इस बुखार को भी आज ही आना था। शरद साहब को फोन करें? नहीं वो कहीं बाहर गए हैं, सुधा बता रही थी। अब सुधा आ जाएगी तभी सब कुछ पता चलेगा। हाँ बोलो सुधा। नहीं नहीं आई अब तक। अच्छा उसके सहेलियों के घर, ठीक है तुम जल्दी आ जाना, मुझे तो अब डर लग रहा है। हे भगवान कहाँ होगी मेरी बच्ची, किसी ने उठा तो नहीं लिया उसे। ऐसी बात मत करिए माँ जी, भगवान ना करे सचमुच ऐसा कुछ हो गया तो मेरी तो खैर नहीं है, मेरा वैसे भी रिकॉर्ड खराब है, सबसे पहले तो पुलिस मुझे अंदर करेगी। चुप कर, मैंने ऐसा कुछ कहा क्या? तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अगर किसी से भूल हुई है तो मुझसे, समझे? भगवान का लाख लाख शुक्र है, लगता है आकांक्षा आ गई। अनुष्का आकांक्षा कहाँ है?
यहाँ हमारे होश उड़ गए और आप ये बाजा बजा रहे हो। ये बाजा नहीं है, बांसुरी है, बांसुरी कृष्ण भगवान की, जो मैं बच्चियों के लिए ले आया हूँ। कहाँ है बच्चियाँ? वो आकांक्षा घर पर नहीं है। अनुष्का तो है ना, उसे दे देना, उसे कहना ताऊ ने दिए, वो समझ जाएगी। ताऊ जी, आकांक्षा घर पर भी नहीं है और स्कूल में भी नहीं है, कहाँ गई पता नहीं। मतलब हुआ शहर में बच्चों को भगाकर उनसे जबरदस्ती भीख मांगने वाली टोली आई है, गैंग। कहीं आकांक्षा को उठा के तो नहीं लगे गए? चुप करो। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। छी, ये कोई चाय है? तुम शहरी लोग इस चीज को चाय कहते हो जिसका कोई स्वाद ही नहीं? शक्कर कुछ ज्यादा पड़ गई क्या? अच्छा, तो क्या वाकई तुमने शक्कर नाम की कोई चीज इसमें डाली थी, या मुझे डायबिटीज का पेशेंट समझकर जानबूझकर इसमें शक्कर नहीं डाली? इसीलिए तुम शहर वालों की जबान में वो मिठास नहीं है जो हम गांव वालों की जबान में है। शक्कर ले आता हूं बस। ये लीजिए, जितनी शक्कर चाहिए उतने डाल दीजिए बस। बाबूजी, ये चाय फीकी कहाँ है? शक्कर बराबर तो है। तुम्हारे लिए बराबर होगी, मेरे लिए तो ना के बराबर। बाबूजी, इस उम्र में इतनी शक्कर खाना ठीक बात नहीं है। कौन मूर्ख है जो ये कहता है? अब कहने वालों को तो आपने पहले ही मूर्ख कह दिया, तो फिर मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं कह रहा हूं, लेकिन डॉक्टर जरूर कहते हैं। डॉक्टर क्या हमसे ज्यादा समझदार है? अरे उन्हें आता ही क्या है, बस यूं ही बोलते रहते हैं, ये मत खाओ, वो मत पियो, ये खाना अच्छा है, वो खाना बुरा है। अरे भाई, खाने दो लोगों को, ऊपर जाकर चित्रगुप्त को क्या जवाब देंगे जब वो पूछेगा कि क्या क्या पकवान खाए? तो मैं क्या बोलूंगा कि डॉक्टर ने मना किया था इसलिए कुछ नहीं खाया। और चित्रगुप्त डॉक्टर से जरूर पूछेंगे कि भैया इतने पेशेंट्स को तुमने वक्त के पहले क्यों भेजा? अरे डॉक्टर का फर्ज होता है पेशेंट्स को बचाओ, ना कि ऊपर भेजो। पेशेंट्स को? हाँ, मैं पेशेंट नहीं, मुझे ना डायबिटीज है, ना ब्लड प्रेशर है, और ना ही दिल की कोई तकलीफ। आज भी अगर तुम चाहो तो आप अभी भी रेस में दौड़ेंगे तो मुझसे अव्वल आएंगे, यही ना? अच्छा, आप खाने में क्या खाएंगे? तुम शादी कर लो। हाँ, शादी कर लो और एक अच्छा खाना बनाने वाली बीवी ले आओ, ताकि मुझे तुम्हारे हाथ के बनाए हुए खाने से छुटकारा मिले। क्या बकवास खाना बनाते हो तुम? अरे दोपहर को जाकर बड़ा पाव खाया, तब जाकर मेरा पेट भरा। बाबूजी, अगर आपको मेरा बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आता है तो मैं बाहर से ले आता हूँ, क्या खाएंगे आप? क्यों, मैं नहीं ला सकता? मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप नहीं ला सकते। अच्छा बाबूजी, ये कुछ पैसे रख लीजिए, जो मन में आया ले आइएगा। बहुत कमाने लग गए हो, हैं? किसे पैसे दे रहे हो? अरे मैं तुम्हारा बाप हूं, क्या समझा है, कंजूस हूं मैं क्या? बाबूजी, आपसे तो कोई शरीफ आदमी बात ना करे ना, तो ये अच्छा है। तो क्यों करते हो मुझसे बात? मजबूरी है मेरी, बेटा जो हूं आपका। बेटे हो ना, इसीलिए मैं तुमसे इस ढंग से बात करता हूं, वरना गांव में आकर देखो आज भी किसी की मजाल है जो मेरे सामने बात कर सके। गलती होगी मुझसे। अरे हाँ, वो सुधा है ना, उसके घर से फोन आया था, सुधा की बेटी का। क्या कहा उसने? तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, मैंने कहा आएगा तो भिजवा दूंगा। चलो जी, मैं ऐसा करता हूँ कि जरा सुधा के यहाँ पर होके आता हूँ,
देखता हूँ कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। एक मिनट फोन कर लो, अगर गड़बड़ हुई तो चले जाना, वरना खामखा आने जाने में पैसा और समय दोनों की बर्बादी करने का क्या फायदा। और जी फिर भी एक बार मैं होके आता हूँ अगर आप कहें तो। ठीक है जाओ, और अगर वहां देरी होनी हो तो मुझे फोन कर देना, क्योंकि तुम जानते हो मैं तो भूखा नहीं रह सकता। अगर मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे तो मैं तो खाना खा लेंगे। अच्छा भाजी, मेरी तो जान निकली जा रही है, कहां होगी वो? तीन सहेलियों के घर तो मैं खुद जाकर आई, चार पांच जगहों पर फोन भी किए, मगर उसका कोई पता नहीं। मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। मम्मी प्लीज परेशान मत हो। और क्या करूं, तीन घंटे हुए स्कूल छूटकर। शरद को भी आज ही डीसीपी साहब से मिलना था, अगर वो यहां होता तो कहीं भाग दौड़ कर उसे ढूंढ निकालता। जया अंकल को फोन किया? हाँ किया था, लेकिन वो घर पे नहीं थे। मैंने दादाजी को बोल दिया कि जब जया अंकल आ जाए तो उन्हें यहाँ भेज दे। वो बेचारा भी कब तक हमारे लिए परेशान होता रहेगा। अरे 8 बजने को आए, मेरी तो अकल ही काम नहीं कर रही कि क्या किया जाए। मम्मी आप मेरी बात मानो तो आप पुलिस में खबर कर दो। चुप, अभी ये नौबत नहीं आई कि हम पुलिस में कंप्लेन करें या रेलवे स्टेशन पर अनाउंस करवाएं। मैं देखती हूँ। जय अंकल। अरे अनुष्का बेटा, क्या बात है, मुझे फोन किया गया था? हाँ अरे सुधा, सब ठीक तो है, मुझे फोन क्यों किया गया था? जय, आकांक्षा अभी तक स्कूल से नहीं लौटी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। गायब हो गई है? अब ये सब मुझसे मत पूछना कि क्या हो गया, कैसे हुआ, मैं बता नहीं पाऊंगी। उसे आने दो, उसकी टांगे तोड़ दूंगी मैं। सदा भी पेशेंट, इसका कुछ ना कुछ तो हल निकल आएगा। पेशेंट? पेशेंट तो मैं कब का खो चुकी हूँ जय, अब सच पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगी। मम्मी पानी। मैंने मांगा था, यहाँ रख दे। अच्छा बच्चा रोते नहीं। लेकिन मैंने तो सिर्फ मम्मी को पानी लाके दिया था ना। मेरी माँ मैं हाथ जोड़ती हूँ, रोना बंद कर। मैं देखता हूँ। हाय अंकल। बेटा कहाँ थी तुम? कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कहाँ गई थी? पहले ये बताएं आप मेरी चॉकलेट लाए या नहीं? देखो चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए तेरे को, ये लो। और चाहिए, ये लो। सुधा कहाँ थी तू अब तक, बता कहाँ भटक रही थी तू? मेरे के घर। झूठ बोल रही है, सारी सहेलियों को तो मैं जानती हूँ, कहाँ थी? मम्मी मेरी नई सहेली आरती। आरती तो क्यों गई थी उसके घर? आरती उतरवाने? मम्मी उसका बर्थडे था। उसका घर में फोन नहीं था? अभी फोन था। I'm sorry, मम्मी मैं भूल गई। मम्मी I promise बाद में ऐसा कभी नहीं होगा। Sorry मम्मी। उसके पापा जैसे ही आए हम लोग वहाँ से निकल गए। मम्मी अब पता है उसने क्या कहा? कि अगर मैं उसके साथ नहीं गई तो वो मुझसे बात भी नहीं करेगी। तो इसीलिए तुमने हम सबको इतना परेशान करके रखा, हाँ? आइंदा ऐसा नहीं होगा, समझी? जाओ अंदर। बड़ी आई दोस्ती निभानी। आइंदा ऐसा मत करना। रिलैक्स। सॉरी जय, कभी कभी पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। कोई बात नहीं, क्या है कि तुम्हारे अंदर जो तनाव जो गुस्सा था उसे तो बाहर निकलना ही था ना, सो निकल गया। सुधा उसकी गलती इतनी बड़ी नहीं थी। हाँ गलती थी जरूर, और उसे इस गलती का एहसास भी होना चाहिए था, सो हो गया। जय अगर मैं स्ट्रिक्ट नहीं रहूंगी तो ये लड़कियां पता नहीं क्या कुछ नहीं करेंगी, उन्हें समय पर कंट्रोल करना पड़ेगा, आखिर ये मेरी लड़कियां हैं ना। और मेरे पिताजी ने मुझे कभी ढील नहीं दी थी, उनकी परवरिश में मैं क्यों ढील दूं? या अग्री, मैं बिल्कुल पूरी तरह से तुमसे सहमत हूं, तुम्हें ढील देनी भी नहीं चाहिए।
अगर अब तुम रिलैक्स हो, तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया है तो मैं चलूं। बाऊजी अकेले हैं वहां पर। नहीं, अगर तुम रिलैक्स नहीं हो तो मैं रुका रहूंगा, नहीं जाऊंगा। इसका मतलब मुझे चलना चाहिए। बाय जय। थैंक यू वेरी मच। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या कर बैठती। hey, सुना, ये थैंक यू किस लिए? मैं आया इसलिए। तो दोबारा जब तुम बुलाओगी तो नहीं आऊंगा बस। अच्छा, थैंक यू नहीं। एंड यू आर ऑलवेज वेरी वेलकम, यू नो दैट।